हेलो यंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू झलक यूथ स्किल एंड रिसर्च चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोस। आज कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो टुडे इज अ गुड डे। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन बॉटनी, राइट? आई हैव डन माई PhD इन बॉटनी, सो बॉटनी सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, दिस सीरीज will be beneficial to all, whether you are a student of 10th class having bio as a subject or 12th or doing BSc in botany, bio sciences, or with the MSc with the botany. And those students, jo students exams ke liye, whether IAS or short service commission or other ones, because friends, botany is a subject, it's a very valuable subject, and most of the half of the syllabus is a GK. जब आप UPSC IAS की तैयारी करते हैं तो वहां पे prelims में बहुत सारे ऐसे questions होते हैं टिक मार्क में, जो कि botany से related होते हैं, जो कि GK के part बन गए हैं आज की तारीख में। तो दोस्तों, इसमें इस series में मैं सबसे पहले जो हूं पार्थिनोकार्पी के बारे में आपसे बात करने वाली हूं। पार्थिनोकार्पी शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और जो है टिक मार्क में भी आता है। तो पार्थिनोकार्पी, व्हाट डज दैट मीन? पहले तो यह है कि पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है। यू नो, पार्थिनोस इज अ एडजेक्टिव in English language. As you know, English language has noun, pronoun, verb and adjective. Similarly, हिंदी भाषा में जो है वह संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये जो वर्ड है पार्थिनोस, ये ग्रीक वर्ड है। पार्थिनोस का जो मतलब है वो है, ये एडजेक्टिव है। अगर हम लैंग्वेज वाइज देखते हैं तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो विशेषता बताता है, स्पेसिफिसिटी बताता है किसी चीज की। तो इसलिए ये जो है एडजेक्टिव है, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे विशेषण है। ये जो वर्ड है, शब्द है पार्थिनोस। पार्थिनोस से बना है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनो जो कार्पी, ये जो वर्ड है, इट डिमॉन्स्ट्रेट the goddess virgin in Greek culture. That means a virgin woman, virgin or a maiden. So that itself indicate the fruit is formed without the fertilization of the ovum. Concept is clear? Fruit to banega, lekin wahan par jo fertilization hai, that does not occur. तो ये इस तरह से पार्थिनोकार्पी क्लियर हो गई होगी आपको। बिकॉज इन बॉटनी यू नो दैट फीमेल एंड मेल प्लांट्स आर देयर, एज इन ह्यूमन बींग्स और इन मेमिलियंस। सो व्हेन दे यूनाइट दैट थ्रू द पॉलिनेशन इन प्लांट्स, इट हैपन्स थ्रू पॉलिनेशन। सो थ्रू पॉलिनेशन द फ्रूट, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन एंड द फ्रूट बिकम्स। But in this case, there are so many plants where the fruit is formed as a parthenocarpic fruit. Like, have you ever seen banana having seeds? Not at all, right? Banana, tomato, pineapple, breadfruit, watermelon. इस तरह से आपने देखियो papaya, capsicum. That is called bell pepper. Red है, green है, yellow है, आप यहां पर फोटो भी देखेंगे। तो इस तरह से जो ये fruits हैं, इनमें seeds नहीं होते। जब fertilizer नहीं है तो seedless, they are the seedless. Watermelon आजकल आप अक्सर देखते होंगे, जब आप watermelon को कट करते हैं तो उसमें black black seeds होते ही नहीं है, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। लेकिन papaya और capsicum, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं,
मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए आप, रेड एंड येलो बोथ, ये यू कैन सी दिस पार्ट इज देयर, राइट? सो दिस वॉज हियर इज अटैच लाइक दिस, यू विल सी इन फोटो। सो दिस इज वॉट, दिस इज द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ पार्थिनोकार्प। दिस इज ए वेजिटेटिव पार्ट, इट विल ग्रो इन टू द फर्दर फ्रूट। सेम थिंग यू कैन सी पपाया, आपने कभी पपाया काटा होगा तो देखा होगा कि उसमें जो है एक भी सीड नहीं है, और उसके अंदर में, पपाया के अंदर में इसी तरह से एक बल्जिंग फॉर्म होती है। तो नाउ द पार्थिनोकार्पी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पीज देयर? थ्री टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पीज देयर। वन इज अ वेजिटेटिव, दैट आई शो यू जस्ट नाउ। देन अनदर वन इज अ इंड्यूस्ड, इन विच हॉर्मोन्स इज बींग इंट्रोड्यूस्ड इन टू द प्लांट, राइट? सो दैट कॉज इट, रादर इट अबॉर्ट इट और इट स्टॉप्स द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द फ्रूट इज फॉर्म्ड, दैट इज द वन। थर्ड वन इज अ स्टैच्यू, इट स्टार्ट फ्रॉम द, so that is what, that is abortion, that we will say it's like that, that just when it has got pollinated, it has got ovum, got fertilized, but physically it has been induced, so that flower been induced, so the fertilization abort, that is called the, like just like abortion going for, so then initially jo flower hai wo thoda डैमेज होता है लेकिन बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट वुड बी द सीडलेस। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स, क्लियर? क्या मतलब है शब्द का अर्थ, अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, और ये कितने टाइप का होता है, किन किन फ्रूट्स में होता है, तो नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो दिस वे, अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, वन इज अ वेजिटेटिव, another is a stimulated one, third one is again the induced, usme hum stimulate nahi kar rahe hain, usme hum physically action le rahe hain aur usko fertilization ke baad mein jo hai wo food ko develop hone se hum rok rahe hain। to jab hum aisa kar rahe hain to iska benefit kya hai, when we study to iska benefit kya hai, now because human being we always look for the merit and demerits, benefits and the loss, so we always look for, and in case of vegetation, plants, we always look for the betterment and the benefit out of it। iska fayda kya hai parthenocarpy ka, parthenocarpy ka fayda ye hai ki jo aapko fruit milega wo bahut bade size ka milta hai, it is almost a bulged out, massive, uska jo size hai wo badh jata hai। तो उसमें चाहे वेजिटेटिव, आपने देखा कि ये नेचुरल है, ये वेजिटेटिव, व्हेन इट इज कमिंग द वेजिटेटिवली, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब आपने वो आगे चल के हम बात करेंगे, तो इसी तरह से क्योंकि वो वेजिटेटिव का एक पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है, उसके थ्रू वो जो है आगे जाकर के फ्रूट जो है बनेगा। तो वन पार्ट, सेकेंड जो है हम उसमें मेलाटोनिन लेंगे, क्या हम ऑक्सिन लेंगे, जिब्रेलिक एसिड लेंगे, जो हॉर्मोन्स हैं, जो नेचुरल हॉर्मोन्स हैं उनके द्वारा जो है इंड्यूस करते हैं, तो उसमें भी बेनिफिट है क्योंकि हम नेचुरल हॉर्मोन्स को यूज कर रहे हैं। एंड थर्डली जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें आपको इंसेक्ट्स या पेस्ट की जरूरत नहीं है जो कि पॉलिनेशन करें, ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब जब जरूरत नहीं है तो उसे एक और बेनिफिट है कि जो पेस्ट है या इंसेक्ट है जो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो हमारी क्रॉप जो है वो इन्फेक्शन से बच जा रही है, राइट? जब पेस्ट आया नहीं तो उसमें हमें फ्रूट तो मिलना मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या, पेस्ट का उसमें कोई रोल नहीं है, वहाँ पे वो जो फर्टिलाइजेशन उसके थ्रू नहीं हुआ तो नेचुरल है हमारी क्रॉप जो है वो कम डैमेज होगी। और उसके साथ ही जब पेस्ट अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं या पेस्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें जो है केमिकल जो स्प्रे करते हैं हमें उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा,
और केमिकल फर्टिलाइजेशन की भी जरूरत नहीं। केमिकल फर्टिलाइजेशन हम क्यों डालते हैं? केमिकल फर्टिलाइजेशन हम इसलिए जाते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें जो है मैसिव मिले, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसका साइज बड़ा हो जाए। हमें जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई लौकी है, भिंडी है और चीजें, तो उसमें हार्मोन्स लगा दिए जाते हैं, तो ओवरनाइट जो उसका साइज बढ़ जाता है। तो हमारा अल्टीमेट गेम क्या, जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि हमें बड़ी साइज की सब्जी मिले जल्दी में। तो यहाँ पे हमें जो है ज्यादा केमिकल्स भी यूज नहीं करने हैं, हमने जो है हार्मोन्स भी जो है एक्सेस में हमने यूज नहीं करने हैं, हमको ऑटोमेटिकली, क्योंकि वह जो प्लांट है या क्रॉप है या जो हमारा फ्लावर है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में नहीं जा रहा है, तो उसलिए वहां पे सीड्स उसको नहीं बनाने हैं, उसके अंदर वो आपको सीड्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रो करता है, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। सो दैट इज वन पार्ट। दूसरा, जो कस्टमर है वो भी खुश है कि जी उसको एज ए सीड जो है उसको वेस्टेज नहीं निकालना पड़ा, उसका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि सीड्स के साथ में जो है वो रॉ मटेरियल भी चला जाता है, फ्रूट है, कोई भी चीज़ है, सब्जी है, तो वो जब आप निकालते हैं बीज को, अगर लौकी में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बीज हैं तो वो वेस्ट लगते हैं लोगों को, तो जब आप उनको रिमूव करते हैं तो उसके साथ में आपकी लौकी का पार्ट भी चला जाता है, तो उसमें क्या है कि आपका लॉस भी कम है, तो कस्टमर भी हैप्पी है, तो उसको सब्जी जो है, फ्रूट है, जो भी चीज़ें बड़ी मिली। आपने ग्रेप्स में देखा होगा, जो ग्रेप है वो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, ग्रीन कलर में भी आते हैं, रेड में भी आते हैं, ब्लैक ग्रेप्स भी आते हैं, तो उसमें बिल्कुल सीड नहीं होते। सो दैट इज ऑल्सो पार्थिनोकार्पी वाला फ्रूट है। तो इस तरह से मैंने बताया, वाटरमेलन हुआ आपका, पाइन एप्पल हुआ आपके, ग्रेप्स हुए, लेमन भी है, लेमन की वैरायटी भी अभी ग्रो हुई है, लेमन में भी आपको मिलेगा, कैप्सिकम हो गया आपका, पपाया हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये अब आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे, ये एक सैंपल मेरे पास आया, आई वॉज कटिंग कैप्सिकम, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि ये वेजिटेटिव जो है इस तरह से ग्रो होता है। तो इससे आई एम वेरी श्योर कि आप समझ गए होंगे कि पार्थिनोकार्पी, बिकॉज अदरवाइज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स जनरली इसको रटते हैं और रट घूट करके जो है उसको बोल देते हैं। सो पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल, बेसिकली वी विल से द फ्रूट, बिकॉज वेजिटेबल भी क्या है, वो भी एक फ्रूट है, हम उसे वेजिटेबल का रूप कहते हैं, लेकिन वो प्लांट के लिए तो एक फ्रूट ही है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, दिस इज द डेफिनेशन, एंड दिस इज अ ग्रीक वर्ड, इट केम फ्रॉम ग्रीक। ओके डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू सेंड विच टॉपिक यू वॉन्ट्स टू बी एड्रेस्ड एज, बिकॉज आई विल गो अकॉर्डिंगली माई सेल्फ, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी। और दूसरी बात, आपको खुशी होगी कि हम महीने में एक दिन जो है अभी शुरू शुरू मैं जो हूँ स्ट्रीमिंग भी करने वाली हूँ, सो दैट उस पर आपके साथ में लाइव इंटरेक्शन भी हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।